देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। तहत जिस तरह से आप लोग सड़क पे उतरे थे, उसका मकसद क्या है? अघोषित आपातकाल विरोधी संघर्ष मोर्चा है। इस राज्य की आवाम लोगों ने इसे बनाया, क्योंकि जो घोषित आपातकाल का हम लोगों ने विरोध किया था, और आज अघोषित आपातकाल है। देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। जब संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र खतरा होना स्वाभाविक है। तो हम लोग आज शपथ ले रहे हैं, जेपी से चौक से चले हैं और शहीद चौक तक आए हैं, और हम इन अपने महापुरुषों को कहे कि आप तो चले गए, लेकिन हम सब आपकी उस कुर्बानी को बेजा नहीं जाने देंगे, और अघोषित आपातकाल के खिलाफ हम रणनीति बना करके और देश में जो संविधान को खतरा पहुंचाना, ऐसे लोगों को सत्ताच्युत भी करेंगे और देश से बाहर भी करेंगे। आगे क्या कुछ करना है? आगे हमारा कार्यक्रम तय होगा, वो घोषित हम लोग बैठेंगे, फिर वो करेंगे। हमारा 28 तारीख को हमारा तुषार गांधी जी भी आ रहे हैं, और भी लोग 30 तारीख को यहाँ यात्रा भी है, 29 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार है, और भी हमारा लंबा कार्यक्रम चलेगा। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।